सिवान के जीरादेई के पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा राष्ट्रीय लोक जनता दल के बिहार प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार सिवान पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका जगह जगह पर स्वागत किया। लोगों ने फूल माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। रमेश सिंह कुशवाहा अपने गाड़ियों के काफिले के साथ सबसे पहले तरवारा बाजार पहुंचे, जहां सैकड़ों की संख्या में मौजूद समर्थकों ने स्वागत किया। इसके बाद काफिला शहर के जेपी चौक पर पहुंचा, जहां उन्होंने जयप्रकाश की मूर्ति पर माल्यार्पण कर नमन किया। इसके साथ ही शहर के गोपालगंज मोड़ स्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और चंद्रशेखर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। माल्यार्पण करने के बाद उनका काफिला मैरवा रेलवे स्टेशन के पास राजेंद्र चौक पर पहुंचा, जहां पर भी लोगों ने उनका फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इसके बाद रमेश सिंह कुशवाहा ने वहां पर मौजूद सैकड़ों लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी ने जो मुझे जिम्मेवारी सौंपी है उसे पूरी तरह से पालन करूंगा। इस तरीके से आपका अभिनंदन हो रहा है और आप प्रदेश अध्यक्ष हो जाएंगे? देखिए, हम सिवान के नागरिकों को और खास तौर से मैरवा के नागरिकों को, समाज के सभी तबके के लोग इस हमारे अभिनंदन समारोह में शामिल हैं। हम सबको हृदय से अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल की प्रदेश इकाई की ओर से हम राष्ट्रीय लोक जनता दल प्रदेश इकाई की ओर से यहाँ उपस्थित सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद देते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय लोक जनता दल का गठन 20 फरवरी 2023 को बापू सभागार में हुआ। काफ़ी मंथन के बाद हम लोगों ने यह निर्णय लिया और ये पार्टी का निर्माण हुआ। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। जैसे पार्टी बनने के बाद हम लोग पूरे बिहार की यात्रा पर निकले, विरासत बचाओ नमन यात्रा पर। पश्चिम चंपारण के भितिहरवा से महात्मा गांधी का जो आश्रम है उनके चरणों को स्पर्श करते हुए हम लोग पूरे बिहार का दौरा किए और इसका समापन अरवल जिला के कुर्था में बाबू जगदेव प्रसाद की जो स्थली है वहाँ पर इसका समापन हुआ। 28 फरवरी को बापू सभागार में हम लोगों ने अशोक जयंती मनाया है। आपको मैं बताऊं, बहुत 1.5-2 महीने की अवधि में हमारी पार्टी का पूरा विस्तार पूरे बिहार के हर जिलों में हुआ है। 28, 29 और 30 अप्रैल को राजगीर में पार्टी का एक चिंतन शिविर लगने जा रहा है, जिसमें लगभग 2500 से 3000 पार्टी के कार्यकर्ता उसमें हिस्सा लेंगे और बिहार के 3800 जिला के लोग उसमें आएंगे। उसी चिंतन शिविर में पार्टी का दृष्टि पत्र, एक विजन डॉक्यूमेंट हम लोग पेश करेंगे, जिसमें हम लोग बताएंगे कि हमारी पार्टी का रास्ता क्या होगा, राष्ट्रीय लोक जनता दल बिहार को किस रूप में देख रहा है और बिहार के डेवलपमेंट के बारे में हम लोग नीति निर्धारित उसमें करेंगे। और ख़ास तौर से हम लोगों का फोकस होगा कृषि का डेवलपमेंट, रोजगार का सवाल, शिक्षा का सवाल, हेल्थ का सवाल, इन्हीं इशू पर वो हमारा शिविर आयोजित है। और अभी तो हम करीब 1 पहली तारीख को हमारी घोषणा हुई प्रदेश अध्यक्ष के रूप में। हम पहली बार आज छपरा होते हुए हम सिवान आए हैं और हर जगह हम लोगों ने देखा जो भी पुराने जनता दल यू के साथी थे, आज सभी लोग हमारे साथ खड़े हैं। अब जनता दल यू का सिर्फ साइन बोर्ड सिर्फ दिखाई दे रहा है, लोग हम लोगों के साथ खड़े होते जा रहे हैं। सिवान में भी यही हम देखे कि जनता दल यू का टोटल जो जनाधार था आज राष्ट्रीय लोक जनता दल के पक्ष में खड़ा है और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ खड़ा है। आने वाले दिनों में हम लोग बिहार में एक विकल्प की तरफ आगे बढ़ेंगे, यही हमारी ठोस बातें थी। विकल्प किसका बन रहे हैं आप लोग, जेडीयू का विकल्प बन रहे हैं कि बिहार की जनता की विकल्प बन रहे हैं? देखिए, जनता दल यू के पास तो कुछ है ही नहीं कि उसका विकल्प बना जाए। हमारी पार्टी स्वतंत्र रूप से अपनी ताकत को आगे बढ़ाते हुए बिहार के सभी समाज के लोगों को गोलबंद करते हुए बिहार में एक नीतियों का विकल्प पेश करेंगे। नीतियों का विकल्प का मतलब है कि बिहार का डेवलपमेंट कैसे हो, कृषि का डेवलपमेंट कैसे हो, छोटे मझोले उद्योग
बिहार में कैसे आए। लंबे समय से गतिरोधता का शिकार बिहार है और बिहार एक मजदूरों का हब बनते जा रहा है। आज भी बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बिहार में है और देखिएगा यहाँ के लोग बड़े पैमाने पर गुजरात, बॉम्बे और दूसरे राज्यों में जाते हैं और हम मजदूर एक सप्लायर बनने वाला एक प्रदेश बन गया है। हम इसे निजात पाना चाहते हैं और इन्हीं संदर्भों में मैं कहना चाहता हूँ कि नीतियों का विकल्प बने। ओम प्रकाश जी को महिलाओं का भी बहुत सम्मान कि मैं RLJD की नेत्री हूँ और मेरा कर्तव्य है कि जो भी महिलाएं इसमें आना चाहती हैं महिलाओं को उस तरीके से सम्मान किया जाए जो उसमें आए और महिलाओं का भी वही योगदान जो कि पुरुषों का योगदान है। हम तो यही चाहेंगे कि पार्टी में ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जुड़ें और अपना सहयोग करें पार्टी को मजबूत बनाने में। महिलाओं को छोड़ेंगे बिल्कुल सपोर्ट रहेगा। कमेटी बनाएंगे ऐसा कुछ? बिल्कुल कमेटी बनाई जाएगी महिलाओं की। वो जो भी आदेश होगा हमको प्रदेश से कि किस तरीके से कमेटी डेवलप करनी है, किस तरीके से अपना काम करना है, उस आदेश पे हम खड़े उतरेंगे। जो भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष का आदेश होगा उस हिसाब से हम काम करेंगे और मेरी हार्दिक इच्छा है कि महिलाएं इस फील्ड में आएं और अपना योगदान करें और पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाएं। धन्यवाद।